लेटेस्ट टेक न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, Xiaomi ने बहुत ही फास्ट तरीके से MIUI 11 पर काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि MIUI 11 अपडेट के बाद आपके Xiaomi के डिवाइस में बहुत ही अच्छी तरह से फीचर भी मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 50 हिडन फीचर जो कि Xiaomi ने आज यहाँ पर रिवील कर दिया है। MIUI 11 अपडेट के बाद आपको ऑफिशियली वो फीचर देखने को मिलने वाले। और दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे फीचर है जो कि आपको MIUI 10 अपडेट में मिलने वाले 10.5 अपडेट सीरीज के बाद आपके सभी Xiaomi के डिवाइस में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं ऑफिशियली MIUI 11 अपडेट के बाद। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि MIUI 11 जल्दी लॉन्च होने वाला है अप्रैल एंड तक चाइना में। और Xiaomi ने बहुत ही जोरदार तरीके से इसमें काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, Xiaomi ने ऑफिशियल अपने फोरम में यहाँ पर लिस्ट रिवील कर दी है जिसमें आप देख सकते हैं 40 टू 50 पर हिडन फीचर्स है जो कि आपको MIUI 10 और MIUI 11 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ ऐसे हिडन फीचर्स है 10.5 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि MIUI 11 अपडेट के बाद आपको ऑफिशियली मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाईलाइट फीचर्स मतलब जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और सभी फीचर अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस फीचर के ऊपर पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको अगर आपको पूरा फीचर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर दोस्तों देख सकते हैं जो कि यहाँ पर फेस अनलॉक के रिलेटेड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन स्लाइडिंग का कुछ फीचर है फेस अनलॉक के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ म्यूजिक यहाँ पर डेवलपिंग का काम चल रहा है जो कि साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि फोन के जो कि साउंड इफेक्ट्स है उसके अलावा आपको डॉल्बी साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अच्छी तरह से यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है न्यू साउंड इफेक्ट्स फॉर न्यू डिवाइस के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज डॉल्बी साउंड इफेक्ट्स फॉर न्यू सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है इस नए अपडेट के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉक फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक साइमल्टेनियसली, मतलब आप एक साथ यहाँ पर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। एग्जिट द रिमाइंडर टू वायरस स्कैन। दोस्तों, MIUI 11 अपडेट के बाद आपके फोन का पूरा कचरा साफ होने वाला है। आपका पूरा का पूरा वायरस इस अपडेट के बाद नहीं रहने वाला, ऑटोमेटिक सब कचरा डिलीट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, एपीपी कॉल रिकॉर्डिंग एंड कैमरा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वो भी यहाँ पर फीचर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सुपर पावर मोड का फीचर भी देखने को मिलने वाला है इस अपडेट के बाद। इसकी वजह से आपकी बैटरी काफी यहाँ पर बचने वाली है इस सुपर पावर मोड के बाद। नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं वॉइस ब्राइट स्क्रीन वेकअप, मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको फीचर मिल गया होगा यहाँ पर रेस्ट टू वेक डिस्प्ले, उसके बाद डबल टैप टू वेक डिस्प्ले। इसके बाद दोस्तों, आपको एक नया फीचर भी मिलने वाला है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वॉइस ब्राइट स्क्रीन टू वेकअप का नया फीचर भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद भी नेक्स्ट देख सकते हैं गार्बेज क्लीनिंग, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर वायरस क्लीनिंग का फीचर भी देखने को मिलने वाला है। कॉल मैसेज टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग व्हेन एडिंग द प्रोमोट टाइमर फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं द कॉलर मैसेज फंक्शन कैन बी ओपन मल्टीपल नंबर्स एट द सेम टाइम। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड डिस्क में आपको नया मोड भी देखने को मिलने वाला है ओपन मोड। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट फीचर देख सकते हैं प्राइवेसी एल्बम फॉर द वीडियो, मतलब दोस्तों गैलरी में अपने जो भी यहाँ पर वीडियोज है उस वीडियो के यहाँ पर एल्बम आप आसानी से यहाँ पर प्राइवेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं ग्लोबल नाइट मोड है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन डार्क मोड है जो कि यहाँ पर अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन भी होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं इंक्रीज द वेदर पुश, उसके बाद एल्बम इंटरफेस ऑप्टिमाइजेशन, इंक्रीज द कैलेंडर लिमिट, कैलेंडर लिमिट सिटी, उसके बाद गैरबेज क्लीन फोल्डर, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर फोल्डर भी क्लीन होने वाला है वायरस स्कैन में। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं गैलरी में आपको फीचर मिलने वाला है फोटो एडिटिंग एंड टेक्स्ट का, सपोर्टेबल है सभी यहाँ पर वर्टिकल इनपुट के लिए। उसके बाद दोस्तों, कुछ आपको नए इंटरफेस भी देखने को मिलने वाला है, साथ में आपके जो यू है वो भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले विद एनिमेटेड आइकॉन्स के साथ। आइकॉन्स पैक भी आपको अच्छी तरह से देखने को मिलने वाले हैं। और भी दोस्तों, नया फीचर देखने को मिलने वाला है SOS का जो कि यहाँ पर SOS की मदद से सीधा आपको जो इमरजेंसी नंबर है यहाँ पर डायल हो जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं SOS का जो यहाँ पर टेक्स्ट का फीचर है रोल आउट हो चुका है बीटा के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सीधा इमरजेंसी कॉल का आपको नया फीचर मिलने वाला है जो कि यहाँ पर SOS की मदद से इमरजेंसी में कॉल ऑटोमेटिकली लगने वाले जो कि अपना फोन लॉक कंडीशन में होने के बाद। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं फॉन्ट साइज है, उसके बाद डिस्प्ले साइज है यहाँ पर सेपरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेटस है, पावर लेवल है वो यहाँ पर इंप्रोमाइजेशन भी देखने को मिलने वाले, मतलब यहाँ पर चेंजेस भी देखने को मिलने वाले। न्यू वर्जन ऑफ यहाँ पर टूल बॉक्स का यहाँ पर नया वर्जन भी देखने को मिलने वाला है। और फ्यूचर में यहाँ पर देख सकते कुछ यहाँ पर प्लान है अडेप्टेशन का फीचर भी देखने को मिलने वाले, जो कि इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और साथ में गेमिंग के लिए पर गेमिंग के इंप्रोमाइजेशन भी देखने को मिलने वाले। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कुछ आपको यहाँ पर लोकल रिसाइकल बिन के यहाँ पर फीचर मिलने वाला है, जैसे यहाँ पर देख सकते कुछ फोटो वीडियो डिलीट करने के बाद एक बार के लिए पर जाएंगे रिसाइकल बिन में और रिसाइकल बिन में डिलीट करने के बाद परमानेंटली वो फोटो वीडियो डिलीट हो जाएंगे। मतलब कि दोस्तों, लोकल रिसाइकल बिन का आपको नया फीचर भी देखने को मिलने वाला इस नए MIUI 11 अपडेट के बाद। और भी नेक्स्ट देख सकते हैं एल्बम पिक्चर क्रॉपिंग का सपोर्ट है, गेम मोड है, और भी नीचे देख सकते हैं Xiaomi पे सपोर्ट फॉर फ्लैशिंग पेमेंट, इंक्रीज द पॉकेट मोड फॉर एंटी मिसिंग, डिवाइडिंग मोड सपोर्ट फॉर क्यूक्यू मैसेज सपोर्टिंग। इसके अलावा दोस्तों, आपके यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए कुछ नए फीचर भी देखने को मिलने वाले जिसकी मदद से आप आसान से पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं।
और दोस्तों इस MIUI 11 अपडेट के बाद आपको काफ़ी सारे अच्छे नए फीचर देखने को मिलने वाले, लगभग 40 से 50 हिडन फीचर आपको देखने को मिलने वाले। अगर आपको पूरे के पूरे फीचर देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखा है, उस पे पर क्लिक करके उस पेज पर जाकर पूरे के पूरे फीचर आप आसानी से यहाँ पर 1x1 पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही यहाँ पर MIUI 11 अपडेट के बाद पूरे के पूरे फीचर्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला था। और दोस्तों ये नया अपडेट यहाँ पर रिलीज होने के बाद उसके ऊपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और साथ में सारे यहाँ पर हिडन फीचर की इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।